देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली में लगातार अवैध पार्किंग का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही जिन लोगों को नगर निगम ने पार्किंग का ठेका दिया है वह भी अपने मनमाने तरीके से लोगों से पार्किंग वसूलते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली के पीतमपुरा वार्ड 57 में केपी मार्केट वाले दुकानदारों ने बताया कि हमारी मार्केट में दो बैंक हैं जिनमें बुजुर्ग लोग अपनी पेंशन लेने आते हैं और साथ ही कोचिंग सेंटर है उसमें पढ़ाई करने बच्चे भी आते हैं, लेकिन पार्किंग वालों ने अवैध रूप से मार्केट के सभी रास्ते बैरिकेड लगाकर बंद कर दिए जिससे सभी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने बताया कि इसकी शिकायत को लेकर जब हम स्थानीय निगम पार्षद अमित नागपाल के पास गए तो उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और मार्केट में दुकानदारों के साथ मिलकर सभी बैरिकेड तोड़ दिए। निगम पार्षद अमित नागपाल ने लोगों से कहा कि किसी भी दुकानदार भाई को कोई भी परेशानी होती है तो वह आकर सीधा मुझसे मिल सकता है, हम किसी भी प्रकार की परेशानी में दुकानदार भाइयों के साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं ललित लोधवार और इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 57 के केपी ब्लॉक की मार्केट के अंदर। जैसा कि अभी यहां पर निगम पार्षद हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने अभी जितनी भी यहां कर बैरिकेडिंग लगी हुई हैं वो सारी अभी तोड़ी गई हैं। आप बताएं अमित जी के क्या कारण रहा कि जो आपने जो जितनी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी है वो तोड़ी गई हैं? देखिए, ये केपी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दो बैंक हैं, इस बैंकों के अंदर लोग छोटा छोटा पैसा जमा कराने के लिए आते हैं। अवैध रूप से आप पार्टी ने यहाँ पे पार्किंग कब चालू कर दी किसी को पता ही नहीं लगा। चलो, पार्किंग आपने शुरुआत की, क्या आप मार्केट के मेन रास्ते के ऊपर बैरिकेडिंग कर सकते हैं? मार्केट के अंदर का एरिया जिस भी कंपनी को दिया गया था उस व्यक्ति ने अंदर की तरफ ना करके मार्केट के पूरे रास्तों को ब्लॉक कर दिया। क्या जो आने जाने का रास्ता अगर रोड पे जाम होता तो लोग इसको साइड लेन के रूप के अंदर यूज़ करके पीतमपुरा में जाम लगने से इसकी वजह से बचता है। इस केपी कॉम्प्लेक्स से लोग आराम से निकल जाते हैं। एक तो इन्होंने स्कूल बसेस यहाँ से निकलती हैं दिन के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ने वाले लोग निकलते हैं, उसके मेन रास्ते को बंद करना, और बंद करना वो भी रात के अंधेरे के अंदर। रात के अंधेरे में ये सारी बैरियर क्यों लगाए गए? दिन के अंदर अगर इनके मन में ईमानदारी थी तो दिन के अंदर लगाते हैं ना जी। यहाँ पर रात को अंधेरे के अंदर बैरिकेडिंग कर रहे हैं, लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से रास्ता बंद कर ये आप पार्टी सोच लेगी कि जहाँ भी उनका अपना जोर चलेगा वहाँ पे पार्किंग चालू कर देगी? क्या ये जो पार्किंग थी ये बिल्कुल अनऑथराइज थी या इसके अंदर कुछ अंश मतलब ये जो जगह है वो कम है? इसमें कुछ अंश पार्किंग के अंदर दिया गया है, जिसमें कुछ अंश है, जैसे आप यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, इसके पीछे का अंश दिया गया है। तो जब इसके पीछे का अंश दिया गया है तो आप यहाँ पे बैरियर मेन रोड पे कैसे लगा सकते हैं? तो इन्होंने सारी बैरिकेडिंग गलत की है, जिसको आज इस सब मार्केट वालों ने मिलकर रिमूव कर दिया। मार्केट वाले भी हमारे साथ लोग हैं सर, आप बताएं कि किस तरीके से लोग इससे आपको दिक्कत क्या परेशानी आई? नहीं, दिक्कत क्या जी, मुझे क्या कहता बंदा कि ये पार्किंग हमारी हो गई है, अब हम चाहे तो अंडे की रेडी लगाएं, हम जो मर्जी करें, ये थोड़ा है। अरे पार्किंग कर, पार्किंग करोगे ना और रास्ते कैसे बंद कर दोगे? स्कूल की इस मेन रोड पे जाम लग गया, मेन रोड पे जाम लग गया, कहीं भी जाम लग गया तो आदमी उधर से आ रहा है, रथ वाले मंदिर से आ रहा है, उधर से निकल गया, इधर से निकल गया, अब यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। सारे जाम थोड़ा बंद कर दोगे? रास्ते इनको पार्किंग दी है, पार्किंग के लिए पर्ची काटो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ की पार्किंग दी है वहाँ की बैरियर नहीं लगा सकते। उसको पूरा करती है मानदंड को? सर, इस मानदंड को पूरा कोई नहीं करती है, मतलब पूरा मानदंड नहीं करती है, पूरा मानदंड नहीं करती है। लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। छोटे छोटे जो हमारे जो भाई हैं, जो मिस्त्री काम करते हैं, जो दुकानदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी पर लात पड़ रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ के लिए। बैंक भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है इसमें। पार्किंग ऐसा हो जो पार्किंग की गई है उसी के ध्यान दें, हमारे रोजी रोटी के ऊपर इस तरह का परेशान न करें। तो जो पार्किंग जो मतलब बनाई गई थी तो अब उससे मतलब जो मार्केट वालों को कुछ फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ? बिल्कुल, 1001% नुकसान है और बहुत गंदी राजनीति आम आदमी पार्टी ने खेली है। एक तरफ से बिजली पानी फ्री करती है और एक तरफ से यहाँ से लोगों से अनऑथराइज पार्किंग के अलॉट करके, जो इसका दायरा भी नहीं है पार्किंग का, वहाँ से भी आगे बढ़ा के लोगों से बेफजूल वसूली कर रही है और वहाँ से ये सब जो घाटा इन्हें हो रहा है सरकार को वहाँ से पूरा करेगी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ मार्केट वाले और निगम पार्षद एक साफ तौर से एक आरोप लगा रहे हैं नगर निगम के ऊपर, जो मेयर हैं शैली ओब्राय के ऊपर भी, कि ये जो पार्किंग है ये पार्किंग यहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट भी है एक,
जिसमें बच्चे आते हैं सारे बच्चे, वो बच्चे स्कूटी आ रही है वो क्या 20-20 रुपए देंगे पढ़ने के लिए आ रहे हैं आकाश के, तो वो बच्चे के लिए क्या 20-20 रुपए पार्किंग देंगे? उनके पास 20 रुपए होते नहीं, वो बड़ी मुश्किल से पढ़ने आ रहे हैं, स्कॉलरशिप लेके पढ़ने आ रहे हैं, वो 20-20 रुपए पार्किंग किस बात की देंगे? और पार्किंग वहाँ होती है जहाँ पार्किंग में कोई तकलीफ हो, आप पार्किंग लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई तो एरिया तो होगा जो एरिया डिसाइड किया गया है उस एरिया में लगाओ आप, और पर्ची काट सकते हो आप, आपको बैरियर लगाने का कोई चीज़ का हक नहीं है, आपको बंद करने का कोई हक नहीं है। देखिए जैसे ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ बच्चे भी आया करते थे पढ़ने के लिए, और जिसकी वजह से जरूरत नहीं है पार्किंग की, तो जिसकी वजह से बच्चों की काफ़ी परेशानी हो रही थी, और सीधा सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो बैरिकेड लगाए गए थे ये अनऑथराइज और अवैध रूप से लगाए गए थे, जिससे कि यहाँ के जो आम लोग जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।